इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर ममता बनर्जी के एक दावे से हड़कंप मच गया है। इजरायली कंपनी ने ऑफर पर ममता ने क्या दावा किया है, देखिए रिपोर्ट। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ममता ने दावा किया कि इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस ने उनसे 4 से 5 साल पहले कांटेक्ट किया था। टीएमसी सुप्रीमो के मुताबिक पेगासस ने उनके पुलिस महकमे से संपर्क साधा था। इस दौरान पेगासस ने जासूसी सॉफ्टवेयर के बदले 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। ममता ने दावा किया कि उन्होंने पेगासस की इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें जजों और अफसरों के खिलाफ इसके सियासी इस्तेमाल की आशंका थी। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। पेगासस का मामला 2019 में सुर्खियों में आया था जब भारत की सैकड़ों मशहूर हस्तियों के फोन जासूसी सॉफ्टवेयर के रडार पर होने का दावा किया गया था। इसे विपक्षी पार्टियों ने बड़ा मुद्दा बनाया था, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। फिलहाल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।